हाई एवरी वन, येस आई एम योर फ्रेंड सीता कुमारी। वेलकम माई चैनल राजेश्वरी फूड। तो दोस्तों आज मैं फिर आप लोग के लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। रेसिपी बनाने से पहले दोस्तों देख सकते हो मेरे पास, आप देख सकते हो मेरे पास निवेदन है, अगर आप है, मेरे वीडियो अभी जस्ट मैंने मार्केट से मंगाया है तो लाइक फुल फैट क्रीम वाली दूध है। इस रेसिपी के लिए फुल फैट क्रीम वाली ही दूध अच्छी होती है दोस्तों, चूंकि अभी फेस्टिवल छठ का पर्व चल रहा है तो आज मैं दूध का पेड़ा बनाने वाली हूँ। दूध का पेड़ा छठ का जो डाला होता है, हमारी जो सखियाँ छठ करती हैं उस पे, उस डाला में दूध का पेड़ा वो छठ माई को अर्पण करती हैं प्रसाद के रूप में। तो ये बनने में भी बहुत ईजी है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, और जो फास्टिंग में जो मेरी सखियाँ वर्क करती हैं छठ में, उसको आराम से ये रेसिपी बना सकती हैं और आराम से छठ माई को ये प्रसाद डाला पे चढ़ा सकती हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है और ये आप देख सकते हो एक स्पून का हाफ घी है। तो मैं अपने कई वीडियो में बताती हूँ कि मिठाई या कोई भी खाना बनाने से पहले हम जो कढ़ाई लेते हैं पैन में, तो उसकी समस्या नहीं रहती है चिपकने की, तो पैन जल्दी से ये हो जाता है, धुला जाता है। लेकिन जब हम ऐसे बर्तन में बनाते हैं तो मैं सब में, चाहे मैं स्वीट रेसिपी बनाऊँ या सॉल्टी, इसमें मैंने कहा है कि चारों तरफ हम अगर थोड़ा सा हल्का सा घी अगर स्वीट है और अगर सॉल्टी बना रहे हैं तो उसमें ऑयल हम चारों तरफ लगा दें, तो जो भी हमारे मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे फ्रेंड सखा सखी, उनको ऐसे जो मेरी प्यारी प्यारी क्यूट सी सखियाँ हैं और सखा हैं, उनको ये बर्तन मांजने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। तो ये घी मैंने चारों तरफ फैला दिया है। तो मेरे पास 2 लीटर दूध है तो मैं काट काट के, पैकेट काट के इसमें सारे डाल देती हूँ। तो दोस्तों मैंने 2 लीटर दूध अपने कढ़ाई में डाल दिया है और यहाँ पे आप 2 करछुल देख सकते हो, एक जो है वो लकड़ी की है और एक स्टील की है। तो अभी हम फिलहाल जब इसे मतलब लाड़ते समय, हम इसे एक ट्रिक है छोटी सी, ये इस लाड़ते समय हम इसे लाड़ेंगे ताकि ईजिली जो चारों तरफ बॉईल होने के बाद हमारा जो भी खोआ मलाई लगेगा उसको हम ईजिली ऐसे निकाल के दूध में डाल सकते हैं। तो चारों तरफ हम इसे ईजिली निकाल सकते हैं और वो जो लकड़ी वाला हमारा ये है छोलनी है, तो बॉईल आने के बाद, ताकि बॉईल आने के बाद लो फ्लेम पे हम इसको ऐसे करके रख देंगे और लो फ्लेम में दूध को थोड़ा 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 कम होने के प्रोसेस में इसको हम रख के एक्स्ट्रा काम भी कर सकते हैं, क्योंकि छठ का पर्व है तो काम बहुत सारा हो सकता है दोस्तों। तो वो स्टील वाला ऐसे रख के आप काम करोगे तो पक जाओगे, ये जल्दी से गर्म नहीं होता है, वो जल्दी गर्म हो जाता है, इसलिए इसको आप रख के ऐसे करके जब बॉईल आ जाएगा, दूध कम होने का जब प्रोसेस होगा, इसको रख के आप थोड़ा सा हल्का फुल्का जो आपका काम होगा वो भी करोगे और ये आपका स्वीट भी बन जाएगा। क्योंकि ये जो पेड़ा है, दूध पेड़ा बनाने में बिल्कुल भी झंझट नहीं है, ज़्यादा चीज़ नहीं चाहिए, खाली 2 चीज़ों, दूध और चीनी से ये इतना अच्छा एकदम बाबा धाम वाला जो दूध पेड़ा होता है ना सावन में जब हम लोग देवघर जाते हैं, वैसा ही पेड़ा हम घर में ईजिली बना के इसका मज़ा ले सकते हैं, एकदम बाबा धाम जैसे पेड़ा का। तो दोस्तों इसको हम अच्छी तरह बॉयल आने देते हैं तब तक। तो दोस्तों इस दूध में अच्छा खासा उबाल आ गया है, तो जब जैसे जैसे दूध कम होता जाएगा आपको इसी से ऐसे कर करके उसमें जो मलाई आता है, लच्छा आता है, उसको निकाल निकाल के दूध में आप देते जाइएगा और बीच बीच में लाते रहिएगा इसको लो फ्लेम करके। और ये जो लकड़ी का करछुल है इसको रख दीजिएगा ताकि उबाल जब आएगा ना तो दूध नीचे नहीं गिरेगा दोस्तों। तो इसको रख के लो फ्लेम करके आप हल्का फुल्का काम भी कर सकते हैं, लेकिन जब मलाई ईजिली निकालोगे ना तो वो स्टील का करछुल से ही निकालेगा, तो ईजिली निकल जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा और आपका स्वीट्स भी आराम से बन। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि दूध कम हो के ऐसा इसका फॉर्म हो गया है, ऐसे में ये दूध कम होते होते ऐसा हो गया है। तो आप इस स्टेज पे हम 1 चम्मच इलायची पाउडर हम इसमें डालेंगे, 1 चम्मच इलायची पाउडर मैंने डाल दिया है और ये शक्कर है लगभग 110 ग्राम के आसपास है। आप स्वीटनेस को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो, या तो शक्कर आप ज़्यादा भी डाल सकते हो और शक्कर को कम भी कर सकते हो। शुगर जो है, जिसको ज़्यादा, किसी किसी को ज़्यादा मीठा पसंद होता है तो वो ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी किसी को कम पसंद होता है तो वो इससे कम भी कर सकते हैं, लेकिन ये एकदम बिल्कुल बराबर मात्रा का है। तो इन सबको हम अच्छी तरह से एक दूसरे में मिला देंगे और थोड़ा सा और इसको हम गाढ़ा होने देते हैं दोस्तों, क्योंकि हमें पेड़ा बनाना है ना तो हमें थोड़ा सा मोटा चाहिए, थिक चाहिए, तो इसको हम और थोड़ा सा पका लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो शक्कर और इलायची पाउडर देने से इसका जो लुक है बहुत सुंदर आ गया है। तो आप देख सकते हो मेरे हाथों में केसर के धागे हैं, लगभग 10 से 12 धागे हैं। तो इस स्टेज पर मैं इसमें केसर के धागे भी मिला देती हूँ, ये देखिए थोड़ा ही दे रही हूँ। इससे क्या होगा, इसका जो स्वाद है, स्वाद में बहुत ही फ़र्क आएगा, आप देखिएगा ये अपना के, और इसका कलर भी देख सकते हैं, कलर भी बहुत प्यारा आएगा। तो इसलिए मैंने 10 से 12 केसर के धागे इसमें डाल दिए हैं। थोड़ा 1-2 मिनट हम इसको और थोड़ा सा गाढ़ा कर लेते हैं। आप केसर देखिए, एक बार पेड़ा बनाइएगा दोस्तों तो वो बहुत ही प्यारा लगेगा। ऊपर से 10-12-15 केसर के धागे आप डाल दीजिएगा और इसको हम 3 मिनट और पकने देते हैं, थोड़ा सा गाढ़ा होने देते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये पूरा गाढ़ा हो गया एकदम। इसी स्टेज पे हम अपना गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, इतना ठंडा होने देंगे कि हाथ में लेके हम पेड़ा बना सकते हैं। इसको अलग बर्तन में आप निकाल लीजिएगा, पूरा जितना भी लगा हुआ है लोहिया में सब एक अलग बर्तन में निकाल लीजिएगा, थोड़ा सा ठंडा होने दीजिएगा ताकि हम इसका पेड़ा बना सकें। इस स्टेज पर आप गैस बंद कर दीजिए। तो दोस्तों ये देख सकते हो कितना प्यारा और कितना अच्छा लग रहा है मेरा
पेड़ा का ये जो मैंने खोआ बनाया है, अब हम हाथों में, आप चाहे तो घी भी लगा सकते हो लेकिन मैंने पानी लगाया है। और देखिए इसका गोला बन रहा है, ये एकदम परफेक्ट इसका टेक्सचर बना है, देख सकते हो। तो इसको ऐसे गोल गोल एकदम अच्छे से गोल गोल करके मैं पेड़ा बना के दिखाती हूँ दोस्तों। मैं अकेले वीडियो शूट कर रही हूँ इसलिए दोनों हाथ से बना के नहीं दिखा सकती हूँ, तो इसलिए मैं सारे पेड़ा बना के अलग प्लेट में रख के आपको दिखाती हूँ। और ये बन जाएगा क्योंकि ये गोलाकार हो रहा है, देख सकते हो। ये पेड़ा कितना गुड लुकिंग लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। अकेले ही मैंने सारा पेड़ा बनाया है, अभी और बाकी है दोस्तों। तो अभी आपकी नन्ही प्यारी से प्रिया प्रसाद खाने के गई थी छटका, तो आप आ गई है, तो मैं आपको दिखा सकती हूँ कि मैं कैसे इसको ऐसे करके मैंने पेड़ा बनाया है। हाथों में थोड़ा सा पानी लगा लिया है, अगर आपको पानी से दिक्कत होगा, पानी से नहीं लगेगा कि हो रहा है, तो आप हाथों में घी लगा सकते हो, लेकिन मेरा तो वो सारा पेड़ा पानी से ही हो गया है दोस्तों। ये देखिए कितना अच्छा सा गोला हो गया है बस, और हाथ में ऐसे करके एक थंब लगा दीजिएगा, देखिए कितना प्यारा है। तो दोस्तों पूरे पेड़ा मैंने बना के इसको 10 मिनट 15 मिनट पंखे के नीचे रख दिया था शेड होने के लिए। तो देखिए ये देखने में भी बहुत प्यारा लग रहा है, और इस छठ पर्व पे ऐसे ही इसी ट्रिक से मेरे दो सखी सखा जो हैं पेड़ा बना सकते हैं और छठ महारानी को भोग लगा सकते हैं। तो एक पेड़ा मैं दिखाती हूँ, देखिए कितना सॉफ्ट है, कितना प्यारा है, देख सकते हो दोस्तों। और बाजार के मतलब मार्केट से तो एकदम शुद्ध शुद्ध बना है, और ये हम प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं, एकदम अच्छा पेड़ा बना है। तो दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं, तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक जब मैं मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ, तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अब इस प्यारी प्यारी सी सुपर सी मतलब बहुत अच्छा पेड़ा खा के, स्वीट डिश खा के अपनी इस प्यारी सी दोस्त को याद करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।